भाई खूबसूरत दिखना तो हर महिला का सपना होता है, और खूबसूरत दिखने के लिए हम ना जाने पता नहीं कितने तरह के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और काफ़ी बार हम अपने फेस, चिन और नोज़ एरिया को शेप में लाने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं या फिर मेकअप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मेकअप टेक्निक्स भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इन सब चीज़ों की, कि वो अपने फेस एरिया को या अपने आईब्रोज को कैसे शेप में लेके आए। तो आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर उन महिलाओं की जिनकी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा पतली है या फिर ग्रोथ है ही नहीं, और या फिर जो उनकी आईब्रोज है वो शेप में नहीं है। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में, और वीडियो के अंत तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज मैं आपको 5 ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने आईब्रोज की ग्रोथ को मोटा, घना, लंबा और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप जब लाइक एंड शेयर करते हैं तो वाकई लगता है भाई आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितने भी आज मैं इस वीडियो में आपको 5 घरेलू नुस्खे जो बताने जा रही हूँ, ये आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली इनमें से एक भी कोई तरीका चुन सकते हैं, लेकिन आपने इन तरीकों को करना कंटिन्यू है। आपने ऐसा नहीं है कि 5 तरीके एक साथ करने हैं, क्योंकि जैसा कि मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो कर दिखा रही हूँ वीडियो में, लेकिन आपने एक ही तरीका ऐसा अपनाना है जो आपको सही लगता है अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, और उसी तरीके को आपने रेगुलर करना है, तभी आप अपने आईब्रोज को मोटा, लंबा, घना और मजबूत बना पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला जो टिप है वो है नींबू का रस और नारियल का तेल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नींबू का रस ले लिया है, बस आपको थोड़ा सा ही नींबू का रस चाहिए, आप चाहें तो हाफ लेमन भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपने ऐड करना है नारियल का तेल, जस्ट लिटल बिट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब आपने अपनी भौहों पर 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैंने जो नींबू का रस और नारियल का तेल मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया था, अब मैं इसे अपनी आईब्रोज पर लगा लूँगी, और कुछ इस तरह से आपने मसाज करनी है। और नींबू में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को स्मूथ बनाते हैं और चमकदार भी बनाने में हेल्प करता है। और नारियल तेल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें विटामिन ई, आयरन और दूसरे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशंस होते हैं। और आईब्रो के स्टार्ट से लेके एंड तक आपने मसाज करनी है। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 1, और मैं अब इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और टिप नंबर 2 में हमें चाहिए जैतून का तेल, और मैं यहाँ पर इस ब्रांड का ले रही हूँ, फिगारो का। नेक्स्ट आपको चाहिए इसमें शहद, और अब आपने थोड़ा सा इसमें हनी ऐड कर लेना है, और थोड़ा सा इसमें हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब आपने इसे लगाकर अपने भौहों पर मसाज करनी है कुछ इस तरह। और शहद भी आपके बालों को चमकदार बनाने में और स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और प्लस साथ में आपने जो जैतून का तेल ऐड किया है, और इसमें होता है विटामिन ई भरपूर मात्रा में, और ये भी हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। और आपने मसाज करनी है कुछ इस तरह। और टिप नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि मेरे पास है यहाँ पर एलोवेरा लीफ, और मैंने इसे अच्छे से वॉश करके धोकर पील कर लिया है। अब मैं इसे डायरेक्ट अपनी आईब्रोज पर मसाज करूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्लांट की एलोवेरा जेल ले ली है, और आप चाहें तो इसे इस तरीके से डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी जेल निकाल कर भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल आप जानते हैं कि सेहत के साथ साथ हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है हमारी स्किन पर, बहुत ही गहराई में जाके हमारी स्किन को क्लीन करती है, हमारी स्किन से इम्प्योरिटीज़ और डर्ट को भी ये रिमूव करने में हेल्प करती है। और जानते हैं आप कि एलोवेरा में होते हैं 20 मिनरल्स, 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड और 200 से अधिक न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, इसलिए एलोवेरा बालों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। और अगर आप डायरेक्ट प्लांट की एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स की, तो ये आपकी आईब्रोज की ग्रोथ को कुछ ही दिनों में मोटा, घना और मजबूत बना देगी। और टिप नंबर 4 में मेरी यहाँ पर है प्याज। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्याज क्यों ले रही हूँ। देखिए, प्याज भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है हमारे बालों की, हमारे सिर के बालों की भी, और हमारी आईब्रोज की बालों को भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी, और बहुत ही फास्ट ग्रो करती है ये आपके भौहों के बालों को। और मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ हाफ प्याज, मैंने अच्छे से पील कर लिया है, और इसे अब मैं एक कद्दूकस की हेल्प से इसे अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी।
और ये प्याज का रस भी आप अपनी भौहों पर लगा सकते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। प्याज के रस में मैं थोड़ा सा डाल लूंगी इसमें विटामिन डी का कैप्सूल, और आप जानते ही हैं मैंने अपनी जो नेल्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने विटामिन डी के कैप्सूल की जो जेल होती है वो इसमें निकाल कर रखा हुआ है, इसका ऑयल या जेल जो भी आप कहें, तो इसमें से एक ड्रॉप मैं इसमें ऐड कर लूँगी और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब आप इसे अपनी आईब्रोज पे मसाज करिए। और जब आप प्याज के रस में विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर लगाते हैं ना गाइस, ये भी आपकी आईब्रोज की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है और आपकी आईब्रोज की ग्रोथ को घना बनाता है, मजबूत और लंबा भी बनाता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्याज के रस में होता है सल्फर, सेलेनियम, विटामिन बी और सी होते हैं जो हेयर ग्रोथ के साथ साथ इसे मजबूत भी बनाता है। सल्फर कोलेजन टिश्यू का प्रोडक्शन बेहतर करके आईब्रोज की सही ग्रोथ करता है। और स्टेप नंबर 5 जो मेरा है वो है रॉ मिल्क। जी हाँ, आप रॉ मिल्क को भी अपनी आईब्रोज पर लगा सकते हैं। इसकी हेल्प से आपकी भौहें चमकदार तो बनेंगी ही और साथ ही साथ खूबसूरत भी बनेंगी, और ये भी बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है आपकी भौहों की, तो आप इसे इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। जी हाँ, आप दूध को भी डेली नाइट में अपनी आईब्रोज पर लगाकर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कर लगाकर सो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप चाहें तो इस दूध को कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि अच्छे से अंदर तक बालों के जो जाना जरूरी है दूध का। और दूध आप जानते ही हैं कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा एक सोर्स होता है, और दूध में प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और मैंने जितने भी आपको ये 5 स्टेप्स बताए हैं जो घरेलू, इन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आपको ये सारे स्टेप्स, अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप एक चूज़ करती हैं तो आपको वो स्टेप कंटिन्यू करना है, आपने इस रेमेडी को कंटिन्यू ट्राई करना है, रेगुलर बेसिस पर ट्राई करना है, तभी आपकी जो भौहें हैं खूबसूरत बनेंगी, चमकदार बनेंगी और घनी भी बनेंगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने ईजी थे ये 5 सिंपल स्टेप्स, आपने रेगुलर करना है इन स्टेप्स को, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हेल्पफुल लगी हो तो और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।